JIT 817 जितने भी अभ्यर्थी है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लगभग 4 साल होने को आ गया था और इनका रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाया था, और अब सरकार ने कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है, इनका रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। बीते कल ये सीएम से मिले शिमला में ओकोवर में और सीएम का इन्होंने थैंक्स किया। लेकिन जो आज खबर है वो ये है कि JIT का जो रिजल्ट है उसको घोषित होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। हमीरपुर राज्य चयन आयोग, जिसको आप कह सकते हैं जो हमीरपुर में ही बनाया गया है, उसको इसका जिम्मा दिया गया है, वो रिजल्ट तैयार करेगा। फिलहाल 1400 अभ्यर्थियों की जो इवेल्युएशन है वो हो गई है और 4000 की पहले ही हो चुकी थी, और ऐसे में अब हमीरपुर आयोग पर सरकार ने छोड़ दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये जरूर है कि इसका जो रिजल्ट है वो मई महीने से पहले निकाला जाना चाहिए, ये आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और इवेल्युएशन को लेकर आयोग जो है वो बदलाव भी कर सकता है और शुरू से भी जो है वो इवेल्युएशन हो सकती है। फिलहाल जितना की हो गई है वो तो चलो हो ही गई है, अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन ये जो है वो राज्य चयन आयोग पर डिपेंड है। फिलहाल इसका जो रिजल्ट है वो मई माह तक निकलेगा। इसमें जो आदर्श आचार संहिता है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको मालूम है ये जो फैसला है ये पहले ही हो गया है, और ये जो है वो एक कह सकते हैं प्रोसेस भी चलता रहेगा और वहां से रिजल्ट आएगा इसको लेकर के। अब बात कर JIT 817 जितने भी अभ्यर्थी है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लगभग 4 साल होने को आ गया था और इनका रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाया था, और अब सरकार ने कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है, इनका रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। बीते कल ये सीएम से मिले शिमला में ओकोवर में और सीएम का इन्होंने थैंक्स किया। लेकिन जो आज खबर है वो ये है कि JIT का जो रिजल्ट है उसको घोषित होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। हमीरपुर राज्य चयन आयोग, जिसको आप कह सकते हैं जो हमीरपुर में ही बनाया गया है, उसको इसका जिम्मा दिया गया है, वो रिजल्ट तैयार करेगा। फिलहाल 1400 अभ्यर्थियों की जो इवेल्युएशन है वो हो गई है और 4000 की पहले ही हो चुकी थी, और ऐसे में अब हमीरपुर आयोग पर सरकार ने छोड़ दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये जरूर है कि इसका जो रिजल्ट है वो मई महीने से पहले निकाला जाना चाहिए, ये आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और इवेल्युएशन को लेकर आयोग जो है वो बदलाव भी कर सकता है और शुरू से भी जो है वो इवेल्युएशन हो सकती है। फिलहाल जितना की हो गई है वो तो चलो हो ही गई है, अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन ये जो है वो राज्य चयन आयोग पर डिपेंड है। फिलहाल इसका जो रिजल्ट है वो मई माह तक निकलेगा। इसमें जो आदर्श आचार संहिता है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको मालूम है ये जो फैसला है ये पहले ही हो गया है, और ये जो है वो एक